नमस्कार दोस्तों, द न्यू वुमन की आज के श्रृंखला में हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के बारे में, जिनकी शिक्षाएं आज सबकी जुबान पर हैं। किस तरह से उन्होंने इस संगठन में उनका सहयोग रहा और किस तरह उनकी दी हुई शिक्षाएं आज तक इस संगठन के लिए एक मार्गदर्शिका बनी हुई हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी वरिष्ठ आदरणीय दीदी डॉक्टर सविता। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, दादी प्रकाशमणि जी, जैसे कि उनका नाम ही है प्रकाशमणि, उन्होंने जो प्रकाश फैलाया सोसाइटी में, समाज में और खुद इस संगठन में, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में। जैसे कि हमारा ये शो है जी, उसका नाम है न्यू वुमन। हाँ जी। तो जिन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन को नया बना दिया। हाँ जी। जो उनका पहले की लाइफ थी और कैसे पूरा 360 डिग्री परिवर्तन उनके अंदर आ जाए, माना वो एक ऐसी वुमेन थी। तो जैसे दादी जी हमें सुनाते थे, मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं उनके बहुत समीप रही हूँ जी। अच्छा। तो उन्होंने एक बार हमें सुनाया था कि जब उनका जन्म हुआ तो वो घर की चौथी बेटी थी। अच्छा। उनके घर में बेटे का इंतज़ार हो रहा था लेकिन उसकी बजाय वो बेटी हो गई। तो माँ रोने लगी। अब माँ इसलिए नहीं रो रही थी कि बेटी हुई है, इसलिए ज़्यादा उनको दुख था कि अब मुझे सास का कितना सुनना पड़ेगा, है ना। ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा जो बेटे का इंतज़ार या पोते का इंतज़ार होता है वो फिर सास को होता है। तो उनके पिता ज्योतिषी थे और उन्होंने जब उनकी जन्म पत्री देखी तो वो जन्म पत्री देख के समझ गई तो कोई महान आत्मा हमारे घर में आई है। तो उन्होंने उनकी माँ को कहा कि तू क्यों रोती है, ये तो पूरे जग में हमारा नाम रोशन करने वाली है। तो फिर मतलब उनकी माँ को जैसे एक शांति हुई और सचमुच उनका जो भविष्य था, जैसे कि कहा पूर्व मुख्य प्रशासिका रही, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इतना कुशल नेतृत्व तो उन्होंने विद्यालय को दिया कि एक देश नहीं, दो देश नहीं, जबकि उनके होते हुए 130 देशों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो संदेश है वो गया, तो पूरे विश्व में नाम रोशन हुआ ही उनके द्वारा। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तो उनको सपने आने लगे, श्री कृष्ण के सपने आने लगे। तो उनको ऐसे दिखाई देता था कि श्री कृष्ण हैं, उन्हें बुला रहे हैं, खेल रहे हैं और बुला रहे हैं, और उनके पीछे पीछे एक वृद्ध भी दिखाई देते थे। तो उनको समझ में नहीं आता था। दो तीन बार जब उन्होंने ये सपना देखा तो उन्होंने अपने पिताजी को ये बात कही। तो पिताजी को तो ऐसा मालूम ही था कि ये तो श्री कृष्ण की मीरा ही बनने वाली है, तो उन्होंने बहुत इसको उससे गहनता से नहीं लिया और ज़्यादा कुछ उनको कहा भी नहीं। फिर उसने इसका जिक्र अपनी क्लासमेट से किया, क्लास में एक जो उनकी साथी थी उनको बताया कि ऐसे मुझे एक सपना बार बार आता है। तो उन्होंने कहा अगर तुमको सपने में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक ओम मंडली दादा है, ओम मंडली चलती है और वहाँ पर जो भी जाता है उसको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। अच्छा। तो तुम मेरे साथ चलना, हो सकता है उसका संबंध कहीं उनसे हो। तो अच्छा। उसने कहा, वो नहीं जानती थी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं जिनको हम पिता श्री ब्रह्मा कहते हैं, दादा लेखराज के नाम से वो अपने लौकिक जीवन में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका उनसे कोई लौकिक संबंध नहीं था और वो शहर के दूसरे कोने में रहते थे तो वो इतना उनको नहीं जानते थे। तो उसने उनको कहा कि ठीक है, दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर वो गई उनके साथ और जैसे ही वो मंडली में गई और उन्होंने उन दादा को देखा तो उन पर नज़र पड़ते ही उनका वो जो रात का सपना वो देखती थी वो एक साक्षात्कार के रूप में उनके सामने है। सेम वही दृश्य कि अब दादा नहीं दिख रहे उनको, श्री कृष्ण दिख रहे हैं और अच्छा। वो खुद ही जो वृद्ध दिखते थे वो खुद ही थे। तो
वो समझ गई कि ये मैं सही जगह हाँ, मैं सही जगह आई हूँ और यही वो श्री कृष्ण हैं जो मुझे बुलाते थे। और बस वो दिन और उसके बाद मतलब वो फिर ओम मंडली में जैसे कि समर्पित ही हो गई और नियमित रूप से वो वहाँ के सत्संग में जाने लगी और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़ा रूप ले लिया और फिर उसमें जो भी चाहते थे कि हम इस ईश्वरीय सेवा में लग जाएं तो वो समर्पित भी हुए उसके अंदर। तो उनके पिताजी ने तो उनको सहर्ष अनुमति दे दी क्योंकि मेरा यही प्रश्न था कि परिवार वाले मान गए फिर उसके लिए। हाँ, क्योंकि उनके पिताजी को तो मालूम ही था उनके बारे में, जैसे कि उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की तो पिताजी से लिखवा कर लाना था, मतलब ये नियम था वहाँ का कि आपको अपने माता पिता से लिखवा करके लेकर के आना है। अच्छा, तो उन्होंने उनको पत्र लिख करके दे दिया और फिर उसी समय बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा को बाबा सभी कहते थे, तो बाबा ने सभी के बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया। तो वहाँ बोर्डिंग में इनको टीचर के रूप में रखा, 5 अच्छा। मुख्य टीचर निश्चित की गई और इनको क्योंकि थोड़ा सा इनकी आयु बड़ी थी। अच्छा। जैसे सबसे अधिक आयु वाले जो थे उसमें मातेश्वरी जी थे जिनको जगदम्बा सरस्वती कहा गया। पहले वो राधे नाम से आए इस ओम मंडली में और फिर बाद में उनको जगदम्बा सरस्वती नाम मिला। तो उनकी आयु लगभग 17 वर्ष की थी और जो दादी प्रकाशमणि जी आए थे उनकी आयु उस समय 14 वर्ष की थी। अच्छा। तो इन्होंने वो बच्चों का जो बोर्डिंग है उसमें मतलब शिक्षा देना एक मतलब टीचर के रूप में उसको संभाला। और फिर पिताश्री जी ने कई तरह से इनके निश्चय की थोड़ी परीक्षा ली कि कहीं इनको दुनिया का आकर्षण तो नहीं है। अच्छा। तो जब वो समझ गए कि नहीं ये बिल्कुल पक्के हैं तो फिर उसके बाद समझो एक संस्था का रूप जब इसने लिया तो जो एक ट्रस्ट बनाया, 6-7 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया और पिताश्री जी ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति इनको सौंप दी, सभी बहनों के ट्रस्ट को ही सौंप दी। अच्छा अच्छा। तो उनमें से दादी जी भी एक थे। अच्छा। तो इस तरह से एक शुरू से ही मतलब ये जो सेवाएं हुई ओम मंडली में उसमें आप अग्रणी रही। और जब संस्था जो है यहाँ आई भारत में जब संस्थानांतरित हुई तो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जब सेवा केंद्र खुलने लगे तो भी कई सेवा केंद्रों पर इनको बाबा ने सेवा के लिए भेजा, ज़्यादातर लेकिन बॉम्बे में इनकी सेवाएं रही। फिर लास्ट में जब पिताश्री जी 1969 में अव्यक्त हुए जी, वो अव्यक्त होने के समय आपको वैसे जो ग्रुप लेकर के आए थे उसे लेकर वापस बॉम्बे जाना था लेकिन उन्होंने खास दादी जी को रोका वहाँ मधुबन में माउंट आबू में रोका कि अभी आप कुछ दिन रुक जाओ। तो ग्रुप तो चला गया लेकिन फिर दादी जी रुक गए और फिर लास्ट डे जो 18 जनवरी था उस दिन बाबा ने इनको विशेष पूरा मधुबन अपने साथ ले जा कर के एक एक डिपार्टमेंट दिखाया, सारा ये कार्य यज्ञ का कैसे चलता है उसकी सारी जानकारी दी और फिर रात्रि में क्लास कराया। सुबह में तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन उनका थोड़ा सा उनको बाबा को लग रहा था कि तबीयत ढीली है तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्लास करा देती हूँ। तो मॉर्निंग में तो उन्होंने क्लास कराया लेकिन रात्रि में फिर बाबा ने कि मैं मिला नहीं हूँ आज सारा दिन तो फिर खुद क्लास कराया। और फिर क्लास कराने के बाद जब वो कमरे में आए तो फिर दादी जी उनके साथ साथ आए और जब आए तब बाबा ने जैसे उनका हाथ लिया अपने हाथ में और उनको दृष्टि दी तो ये ऐसे ही था कि जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी उनको सौंप दी, ये इस तरह का था। और उसी समय जो बाबा थे वो अव्यक्त हुए। अच्छा। हालांकि उनको एकदम तुरंत नहीं पता चला, वो तो जब डॉक्टर आया डॉक्टर ने देखा और जब उसने कहा कि अब दादा नहीं रहे तो फिर उनको समझ में आया और फिर उतनी हिम्मत से और उतने निश्चय से उन्होंने उस स्थिति को संभाला क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी इस विश्वविद्यालय के इतिहास में कि
जिनके द्वारा स्थापना की परमात्मा शिव ने, अब जैसे वो नहीं रहे तो एक प्रश्न चिन्ह भी था एक भविष्य के लिए कि अब कौन और कैसे ये कार्य चलेगा। तो फिर उन्होंने जरा भी जैसे कि एक हलचल में आ जाएं या एक उनकी स्थिति डगमग हो जाए ये ना करते हुए जिन जिन को भी सूचना देनी थी और जो जो भी कार्य करने थे बहुत ही कुशलतापूर्वक उसको निभाया दादी जी ने उस जैसे समय। कि बेटे की चाहत में एक बेटी का आना, लेकिन उनके अंदर जो गुण थे सारे वो एक जैसे कहते हैं ना कि पुरुष कठोर निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसे कठोर निर्णय लेने की क्षमता थी उनके अंदर। तो मतलब दादी जी ने वो पूरा, फिर उसके बाद हालांकि एक अपने यहाँ ट्रांस मैसेंजर होते हैं जो संदेशवाहक होते हैं, परमात्मा के संदेशवाहक। अच्छा। जिन्हें संदेश ये कहते हैं, तो उनके द्वारा फिर सारी स्थिति स्पष्ट हुई क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो डायरेक्ट परमात्मा से वार्तालाप करें और उनका संदेश लेकर के आएँ। तो दादी जी एक अपने हृदय मोहिनी दादी जी हैं, वो निमित्त बने और भी हमारी दादियाँ थे जो इस तरह की क्षमता थी जिनके अंदर। तो जब ये सब स्पष्ट हुआ तो फिर परमात्मा ने दादी जी को, दादी प्रकाशमणि जी को और एक दीदी थे दीदी मनमोहिनी जी थे जी। इन दोनों को फिर ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्य के निमित्त बनाया। अच्छा अच्छा। तो तब से फिर वो मुख्य प्रशासिका बने पिताश्री जी के बाद, ये जिम्मेवारी जो है वो दादी जी के ऊपर आई। तब तक भारत में ही सेवा केंद्र थे और बहुत अधिक भी नहीं थे, संख्या में भी 200 के आसपास होंगे जो सेवा केंद्र थे। लेकिन फिर इनकी दूरदर्शिता इतनी थी और कहेंगे कि इतना उनकी प्लानिंग बुद्धि थी कि उन्होंने बहुत तीव्र गति से बाबा के बाद इन सेवाओं का, जो आध्यात्मिक सेवाएं हैं, इस ईश्वरीय संदेश को हम कितना तीव्र गति से जन जन तक पहुंचाएं, तो ये कार्य फिर दादी जी ने शुरू किया। और हम कहेंगे कि एक छोटा सा जो पौधा था वो उसको एक विशाल वट वृक्ष का जैसे एक रूप देना जी। तो ये उनका कुशल नेतृत्व था जी। तो जैसा कि आपने कहा भी, आपको भी कुछ समय मिला दादी जी के साथ रहने के लिए, तो आपने उस दौरान कौन कौन सी विशेषताएं उनकी देखी? और स्वयं पिताश्री ब्रह्मा ने तो उनके अंदर विशेषताएं देखी ही थी कि उनको पूरा कार्यभार दिया, तो ऐसी कोई विशेषता जो, चूँकि हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए ज़्यादा है, वो एक जैसे हमने बात की कठोर निर्णय लेने की या कठोर परिस्थितियों में कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, ये दादी जी ने दिखाया। और ऐसी कौन कौन सी विशेषताएँ स्वयं ब्रह्मा जी ने, मतलब पिताश्री ब्रह्मा ने देखी और आपने भी वो चीज़ें नोटिस की, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जब मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला, क्योंकि ऐसे तो जब हम किसी को दूर से देखते हैं, एक सही उनका जो व्यक्तित्व है वो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो एक बहुत कम समय का हमारा संपर्क होता है ना। लेकिन जब मैं 24 घंटे उनके आसपास जब मैं रहने लगी, तो बहुत सारी बातें मैंने दादी जी से नोट की और मैं कहूँगी कि हमें सीखने को भी मिला। जैसे मैं ये देखती थी कि वो जो हमारा अध्ययन है, जो ईश्वरीय अध्ययन है जिसे हम पढ़ाई कहते हैं या गॉडली स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, उसको वो बहुत महत्व देती थी। माना उसमें उन्होंने कभी भी ढीलापन नहीं आने दिया जी। उसके लिए वो एक्यूरेट, जैसे मैं देखती थी कि सोने से पहले वो नियमित रूप से, इसे हम मुरली कहते हैं, जो ईश्वरीय महावाक्य हैं उसे मुरली कहते हैं, तो सोने से पहले उसका अध्ययन करके ही सोना है, फिर चाहे जो हो जाए। माना अगर रात के 12 भी बजे हैं और वो तब तक व्यस्त रही हैं और उसके बाद वो कमरे में आई हैं, तो भी उनका नियम है कि वो पढ़कर सोना है, माना वो पढ़कर ही सोना है। तो ये उनका था। और दिन भर में जितना अधिक समय मिलता था, माना
मैक्सिमम उनका 4 बार तो उसका अध्ययन होता ही था मुरली का, अगर समय कम मिला तो हो सकता है 2 या 3 बार हो, लेकिन 4 बार जो है वो उनका वो अध्ययन रहता था। तो इसलिए हम देखते थे उनका जीवन जो था वो शिक्षाओं का स्वरूप था, क्योंकि अगर कोई इतना अध्ययन करेगा तो वो उसके स्मृति में रहेगा, कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, हमारे मन की स्थिति हमारी सोच से बनती है। तो हम देखते थे कि दादी जी की सोच पर वो पूरा ज्ञान का प्रभाव नियमित रहता था, माना वो कभी भी भूलती नहीं थी, और हमेशा उन्होंने जो ब्रह्मा बाबा थे उनको हर कर्म में फॉलो किया, अच्छा, कहीं भी उसमें कमी नहीं रखी। और जो भी ब्रह्मा बाबा ने परंपराएं चलाई इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उनको भी उन्होंने कायम रखा। हो सकता था कि मेरी सोच अलग हो सकती है और हम उसमें कुछ परिवर्तन कर लें जब, हाँ, तो मतलब मैंने ये देखा कि उन्होंने उनको पूरी तरह से निभाया और आज तक भी, फिर दादी जी ने उसे निभाया, तो फिर उसके बाद जो चीफ बने उन्होंने भी फिर उस चीज़ को कायम रखा, एक परंपरा जैसे कहते हैं बन गई। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन दादी जी का लवफुल था। अच्छा, वैसे हम कहते हैं लव और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, तो ऐसे नहीं कि वो लॉफुल नहीं थी, वो खुद लॉफुल थी लेकिन दूसरों के प्रति बहुत लवफुल थी, और इसके कारण लोग उनको बहुत पसंद करते थे। मतलब जितना प्यार दादी जी सबको देते थे उससे कहीं अधिक प्यार जो है, सम्मान जो है वो उनको सबसे मिलता था। और यहाँ तक था कि बस उन्होंने मुंह से कुछ कहा और हुआ, माना इतनी श्रद्धा जो है उनके प्रति सबकी होती थी कि बस उनके कहने से काम हो जाते थे। और उनकी एक विशेषता थी कि सबके अंदर बहुत उमंग उत्साह भर देती थी, जो भी कोई नया कार्य शुरू हो रहा है, और हमेशा एक निश्चित तय समय में ये कार्य पूरा हो जाए ऐसे उनकी कोशिश रहती थी। तो बड़े बड़े जो कार्य हुए विद्यालय में, माना जो प्रोजेक्ट्स लिए जाते थे, तो दादी जी के कारण, मतलब वो पहले असेसमेंट ले लेती थी कि कितना समय लग सकता है इसमें, और जब वो पूरा एस्टिमेट उनको मिल जाता था तो फिर वो एक लक्ष्य दे देती थी कि हाँ ये डेट तक तुमको ये पूरा कर देना है। अच्छा, और जब दादी जी ने कहा है, जैसे मैंने कहा ना कि उनके कहने की ही बात होती थी, बस उन्होंने कहा और वो फिर करना ही है सबने, तो बस वो कार्य हो जाता था। और जैसे हॉस्पिटल बना, ग्लोबल हॉस्पिटल बना, ज्ञान सरोवर बना, फिर नीचे शांति वन बना, ये अपने हेडक्वार्टर्स के अलग अलग परिसर हैं, तो ये सब बहुत कम समय के अंदर तैयार हो गए। तो ये दादी जी की विशेषता थी, माना दादी जी जैसे उमंग भरती थी उनके अंदर, और जिस तरह से उनकी पालना करती थी। और ये भी मैंने देखा कि कभी भी कोई गुस्से से किसी को कंट्रोल करना, या गुस्से से किसी से काम करवाना, या मतलब निश्चित है वो हेड हैं तो कहीं भी उनको गलती दिख रही है, कोई भी लापरवाही कर रहा है तो वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, और उनको कोई कहेगा भी नहीं कुछ भी। लेकिन ये सब होते हुए भी उनको हमने कभी भी इस तरह का व्यवहार किसी से भी करते हुए नहीं देखा। जैसे मैंने कहा कि वो लवफुल ही थी, माना एक एक माँ की तरह, जैसे एक हम कहेंगे उनका स्वरूप दिखाई देता था। मुझे लगता है कि दादी जी की इतनी सारी विशेषताएं हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे अभी करने के लिए आपसे, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो हम अपने अगले एपिसोड में इसी पर ही बात करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज के लिए इतना ही, इसी विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।